राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष का ऑनलाइन परीक्षाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर से होने जा रही है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर से होने जा रही है। इसमें पहले छात्रों के पहचान पत्र महाविद्यालय को भेज दिए गए हैं। महाविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि पहचान पत्र वितरित किए जाए, क्योंकि इसी पहचान पत्र में छात्रों का यूजर आईडी और पासवर्ड भी दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा में 70,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। परीक्षा ऑनलाइन बहुपर्यायी पद्धति से ली जाएगी। इसमें 50 अंकों की परीक्षा में छात्रों को 25 प्रश्न हल करने होंगे। हर प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से छात्रों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा से पहले छात्रों को ऐप पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद ही प्रश्न पत्र खुल सकेंगे। यही वजह है कि पहचान पत्र आवश्यक हो गया है। पहचान पत्र के लिए छात्रों को महाविद्यालय में नहीं जाना होगा। महाविद्यालय द्वारा ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर पहचान पत्र भेजे जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपुर।